हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, अब मैं स्नोई के रूप में बदल गई हूँ और अब मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगी। ओ मेरे स्नोई की इतना क्यूट है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आई नो बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज शेयर कि आप कौन सी क्लास में जाते हो, एंड क्लास में जाते हो तो वो थोड़ा बहुत शेयर करो। सो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट दैट। मेरी MMA क्लास के लिए हम जा रहे हैं, सो लेट्स गो। मतलब अभी तो निकल रहे हैं पर जाते हुए आपको सब दिखाती हूँ। सो वेलकम टू माय क्लास। एंड मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ अपना वार्म अप रूटीन शेयर करूँ। सो बेसिकली पहले बहुत सारी हेड रोटेशन करनी है, अप एंड डाउन ये 10 times, फिर साइड टू साइड 10 times, फिर से साइड टू साइड this also 10 times, and after this you have to do head rotation जिसमें सर पूरा घूमेगा, तो ये भी 10 times, फिर opposite 10 times। उसके बाद आती है हाथ एक्सरसाइज, उसमें हाथ को रोल करो, and hand stretching is also very important। and ये देखिए ये tattoo है, ये मैंने स्कूल में बनवाया था जो निकल गया था, बट या ऐसे हाथ पकड़ के स्ट्रेचिंग, नीचे से स्ट्रेचिंग, अब होगी साइड से स्ट्रेचिंग। तो साइड में ये एंड वन मोर टाइम, चलो एंड दिस। एंड अब आएगी शोल्डर रोटेशन में बेसिकली यस शोल्डर को ही रोटेट करना है, एंड देन ऑपोजिट रोटेट करना है। करिए ऑपोजिट, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एकदम फास्ट दिखा रही हूँ और थोड़े ही दिखा रही हूँ, बट या अभी मैं करूँगी साइड स्ट्रेचिंग। तो बस ऐसे मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। मेरी स्ट्रेचिंग और भी होती है, बट आप लोग बताइए अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं पूरा अच्छे से अपना वार्म अप रूटीन शेयर करूँगी, बट अभी के लिए इतना ही। हैंड रोटेशन थोड़ी बहुत आर्म रोटेशन में और करती हूँ बस। बाकी अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कुछ ड्रिल्स जो मेरे सर मुझे कराते हैं टू हेल्प मी इम्प्रूव इन MMA ओवरऑल। तो ये स्लैप किक के लिए ऐसी ये ड्रिल है, एंड बस इसमें अच्छे से करना है। एंड इट वॉज एक्चुअली सो डिफ़िकल्ट, मतलब पैर उठ ही नहीं रहा था, फिर भी आई ट्राइड, एंड ऑफकोर्स माई सर इज ऑलवेज देयर टू इनकरेज मी टू डू बेटर। सो देन आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, एंड देन सम मोर एंड मोर एंड मोर। एंड बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद अब बारी आ जाती है कूल डाउन की, एंड कूल डाउन अच्छे से करना होता है, तो इसलिए बस आप लोग देख लो मेरा बिफोर आफ्टर। पहले मैं बड़े जोश में वार्म अप कर रही थी, एंड अभी कूल डाउन एकदम मरा से कर रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली बहुत थक गई हूँ मैं अभी तक। सो यार अभी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, ये देखो मेरी बटरफ्लाई वाली स्ट्रेचिंग एकदम बहुत अच्छे से हो जाती है। सो यार आई रियली लाइक दिस। क्या चुड़ैल लग रही हूँ मैं। अब हो गई है मेरी क्लास, यू कैन क्लियरली टेल आई एम एग्जॉस्टेड, एंड मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो अभी अरे यार मैं इतनी चुड़ैल क्यों बन गई हूँ, मैं देख के चल रही हूँ। एनीवेज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं करी है। जैसे हम बाहर निकलते हैं मेरी क्लास की बिल्डिंग से बाहर, वहीं पर एक मोमो वाले भैया होते हैं, एंड जब भी मैं उन मोमो को देखती हूँ मेरा मन करता है मैं मोमो को खाऊं, पर मैं मोमो नहीं खा पाती। बट अभी मैं थकी हूँ और अभी घर चल रहे हैं, तो लेट्स गो होम। वाले भैया अब तो मैं नहीं दिखा पाई, किसी और दिन आपको दिखाया जाएगा। खानो। तो हम फंसे हैं बुढ़े वाले ट्रैफिक में, ये अभी हमें यहाँ से ना यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है, पर ये पूरा पैक है और यस यही हो रहा है। सुनो देखो ना कैसे बैठी, आई हाँ
हाँ सुन सुन सुन, एक और अच्छा आइडिया, लिसनिंग टू स्नोई फॉर 24 आवर्स। ठीक है बाबू, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। ठीक है, दो दो ऑप्शन होंगे, उसमें से एक जो भी स्नोई चूज करेगी। ओए इस बिल्ली ने अभी क्या किया मैं आपको बताती हूँ। वो आई मेरे हाथ पर, उसने दांत लगाया और भाग गई। एंड मैं अपने दिन के बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी। एक्चुअली आज हमारे स्कूल में फन फेस्ट था, तो सुबह सुबह मैंने पापा को बोला, पापा 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 स्कूल में कोई फेस्टिवल हो रहा है, फटाफट से पैसे दे दो। फिर मैं स्कूल में गई, ये मेरे टैटू बनवाया जो निकल गया आधा, यहाँ पे भी बनवाया था, यहाँ पे भी बनवाया था। और जो मेरा टैटू बना रही थी ना, वो खुद ही बोल रही थी, आपके हाथ में पेंट अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं पेन से टैटू बना देती हूँ। एक टैटू पेन से बना, बाकी दो पेंट से बनाए, और ये पेंट वाला टैटू भी समझ आ गया। तो सोचा ही नहीं पर एक्रेलिक पेंट है, पेंट है ना, फिर भी हाथ पे लगाने का थोड़ी ना होता पेंट। हाँ सही है ये बात तो। एनीवेज आज मेरी प्रेजेंटेशन थी एंड इट वेंट ग्रेट, अच्छी हुई। मैं बस एक पैराग्राफ भूल गई, इसलिए मेरा टाइम थोड़ा कम हुआ, बट किसी को पता नहीं चला मैं पैराग्राफ भूली। तो मैं जब किसी को भी बता रही थी ना मैं पैराग्राफ भूल गई, तो बोलते हैं कौन सा पैराग्राफ, हमें मतलब ऐसा लगा नहीं कि कुछ भूल गई थी मैं, तो इन्होंने कवर कर लिया था मैंने फटाफट से। तो जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, टीचर भी बोल रही थी, व्हाई डिड यू एंड इट सो सून, और बोलना चाहिए था। मेरा कुछ 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स का हुआ था, एंड पहले जब मैंने किया था ना 3 मिनट्स 44 सेकेंड का था। मेरे को ऐसा भी लगा मैं थोड़ा भागी हूँ बोलते टाइम, और 3-4 पॉइंट्स भूल गई और एक पैराग्राफ ही भूल गई। That's it for today's vlog. Don't forget to like, subscribe and share. Stay safe, stay happy, spread positivity. I'll see you all in my next vlog. Love you all, bye.